अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नुमान फारूक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ CLI डिजिटल एकेडमी। आज की वीडियो क्लास में इंशाल्लाह हम अकाउंटिंग का एक टॉपिक कैश बुक उसे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग आप सबको बता सकें और आप सब इसे सीख कर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकें। कैश बुक एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है अकाउंटिंग का। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में एग्ज़ाम में इसका सवाल आता है। ACCA के जो डिप्लोमा के पेपर हैं FA1 FA2, वहाँ पे कैश बुक के सवाल बहुत ज़्यादा एग्जामिनेबल हैं। इसके अलावा ओ लेवल्स की अकाउंटिंग में भी कैश बुक पढ़ाया जाता है, तो इसलिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है अकाउंटिंग की। प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप देखा जाए तो कैश बुक कैश की मैनेजमेंट होती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं। कैश बुक किस तरह से बनाई जाती है, क्या कैश बुक के कॉन्सेप्ट हैं, कोशिश करिएगा एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए एक सवाल। अच्छा जी, कैश बुक में जो सबसे एक इशू आता है स्टूडेंट को, वो आता है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन में। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या होती है कि जब आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हो कैश या चेक, या आप विड्रॉ करवाते हो ऑफिस यूज़ के लिए। कॉन्ट्रा मीन्स कि जिसका इम्पैक्ट आपके डेबिट पर भी आए और क्रेडिट पर भी आए। डेबिट क्रेडिट पर किस तरह से आए, ज़रा यहाँ पर देखते हैं हम। जैसे ये कैश बुक है, ये आपका कैश बुक है। एक साइड कहलाती है रिसिप्ट, यानी कि पैसा आएगा तो इस तरफ, और एक साइड कहलाती है पेमेंट, यानी कि आप किसी को दोगे तो ये इस तरफ आएगी। कैश बुक के अंदर जो कॉलम बनते हैं, एक बनता है डेट का, पर्टिकुलर का, पोस्ट रेफरेंस, कोई रेफरेंस नंबर हो, सेल्स डिस्काउंट हम जो कस्टमर को देते हैं, कैश और बैंक सेम यहीं पर, पेमेंट साइड पर भी डेट, पर्टिकुलर, PR, परचेज डिस्काउंट आता है यहाँ पर जो हमें सप्लाईज पे मिलता है, और कैश और बैंक। अब कैश और बैंक यहाँ पर भी हैं, कैश और बैंक यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर पैसे आएंगे तब लिखेंगे रिकॉर्डिंग, और यहाँ पर जब पैसे जाएंगे तब लिखेंगे। थ्री कॉलम इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर तीन मेन कॉलम होते हैं, डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का। यहाँ पे भी डिस्काउंट और कैश और बैंक, इसीलिए इसे थ्री कॉलम कैश बुक कहा जाता है। अच्छा, जब हम कॉन्ट्रा एंट्री में आते हैं, मीन्स कि दोनों तरफ रिकॉर्डिंग की जाएगी उसकी। अब कॉन्ट्रा एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डिपॉजिट चेक या कैश इंटू बैंक। पहली बात ये याद रखिएगा, जब भी हमें चेक मिलता है हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में इसको कैश के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। जब हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे पैसे, तो ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड होती है, डेबिट क्रेडिट, बैंक डेबिट हो जाता है, 15,000 डिपॉजिट करवाएं और कैश आपका क्रेडिट हो जाता है, कैश आपका क्रेडिट हो जाता है जितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाई। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम कैश बुक बनाएं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए कि सर ये डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ क्यों लिखा आपने। और विड्रो कैश फॉर ऑफिस यूज़, अगर ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकलवाओगे आप तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट हो जाएगा आपका, क्योंकि कैश आपने निकलवाया, और बैंक क्रेडिट यानी कि बैंक आपका कम हो जाएगा। दोनों आपका एसेट है, एक एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, यानी कि कैश आपका एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और बैंक भी आपका एसेट है और ये एसेट कम होगा तो क्रेडिट। ये इसकी ट्रांजेक्शन होती है। अब हम बनाते हैं ना कैश बुक, तो अच्छे से समझ में आएगी कि ये क्या मैंने बात बताई और किस तरह से वहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाएगी। मैं साथ साथ समझाता भी रहूँगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता रहूँगा। मिस्टर साहब, ट्रेडर्स यूजेस थ्री कॉलम कैश बुक इन दियर बिजनेस। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेट टू द मंथ ऑफ मार्च 2004। अब जब अपनी कैश बुक बनाएंगे तो ऊपर लिख दीजिएगा कंपनी का नाम, कॉलम थ्री कॉलम लिख दीजिएगा, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2004 आ जाएगा। ये वाली साइड आपकी रिसिप्ट यानी कि आने वाली साइड पैसा, और बैंक में जब भी आएगा पैसा तो इस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब आप किसी को दोगे कैश या बैंक से यानी कि चेक दोगे तो इस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा। याद रखिएगा, चेक जब हमें मिलता है तो हम उसे कैश के कॉलम में लिखेंगे, लेकिन जब हम चेक किसी को भी देंगे तो फिर हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं। मार्च 1, 2004 को जो हमारे पास पोजीशन थी वो ये थी कि कैश हमारे हाथ में 25,000 का था और बैंक में भी 25,000 थे। तो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मार्च
एक का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस हो गया, कैश हमारे पास 25,000 था और बैंक में भी हमारे पास 25,000 है। अच्छा जी, आगे चलते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन पर। इसके बाद कह रहा है कि आपने मर्चेंडाइज सेल की और कैश आपके पास 15,000 आया। जाहिर सी बात है, जब हम मर्चेंडाइज सेल करेंगे तो वी रिसीव कैश, कैश आएगा अगर कैश पर बेची। मार्च 2 की एंट्री है ये। अच्छा जी, कैश आएगा तो मैंने आपको बताया कि पैसे यहाँ आएंगे तो इस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा, रिसिप्ट यानी कि आना, और पेमेंट यानी कि जब आप दोगे। तो जब आप माल बेचते हो, सेल करते हो, तो आपके पास पैसे आते हैं। कितने आए? 15,000 आया, आपने कैश कॉलम में लिख दिया। और रीज़न क्या था? सेल्स था, ठीक है। इसके बाद 6 तारीख को रिसीव्ड अ चेक, आपको एक चेक मिला मिस्टर उवेस से 12,500। चेक की अमाउंट थी 12,500 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद यानी कि डिस्काउंट आपने इसको 500 का दिया। चेक कितने का मिला है? 12,500 का। अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब भी आपको चेक मिलता है तो वो कैश में लिखा जाता है। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। द चेक वॉज डिपॉजिट इन बैंक ऑन द सेम डे। उसी दिन आपने वो चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाया, यानी कि ओवेस ने आपको पैसे दिए, आपने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये डिपॉजिट उसी दिन ना होता तो हम ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करते? कैश में रिकॉर्ड करते, यहाँ पर रिकॉर्ड करते, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि जब भी हमें चेक मिलता है तो हम इसे कैश में लेकर जाते हैं। लेकिन चूंकि इसने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, सेम डे डिपॉजिट है, तो हम इसे बैंक के कॉलम में लिख देंगे। और रीज़न क्या है? अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि पैसे अवेश ने दिए, जिसे कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। देश मिस्टर वेस, ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल ये आता है डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट भी मिला है 500 का। चेक 12,500 का था और 500 का आपको क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। तो ये डिस्काउंट के कॉलम में आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डेट आ जाएगी यहाँ पर, डेट आ गई मार्च 6। आपने रिकॉर्ड कर दी ट्रांजेक्शन, सिंपल है बहुत। पैसे आएंगे तो इस तरफ रिकॉर्ड करना और पैसे जाएंगे तो इस तरफ रिकॉर्ड करना। चेक मिलता है तो वो कैश के कॉलम में लिखा जाता है, अनटिल एंड अनलेस अगर वो ट्रांजेक्शन में लिख दे कि उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो फिर हम कैश में नहीं लिखेंगे बल्कि बैंक में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद कह रहे हैं मार्च 10 को चेक इशू किया। इशू का मतलब दिया। कितने का दिया? 11,500। किसको दिया? मुनीब को दिया, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 12,000। मुनीब को पे करने थे 12,000, हमने पे किए हैं 11,500, 500 रुपये कम दिए, मतलब डिस्काउंट है। अच्छा जी, अब पे किए तो सर पेमेंट वाली साइड ये वाली है, ये वाली साइड रिसीविंग वाली साइड है, तो ये पेमेंट वाली एंट्री यहाँ पे बन जाएगी। मार्च 10 आ जाएगा यहाँ पे, मार्च 10 आ गया। पर्टिकुलर में लिखा जाएगा पे किया है, तो अकाउंट पेएबल आ जाएगा, अकाउंट पेएबल मुनीब, ठीक है, ये आ गया। और पीआर के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि रेफरेंस नंबर नहीं दिया हुआ। चेक हमने दिया है, चेक दिया तो आपको बताया था कि जब भी हम चेक देंगे तो बैंक में लिखा जाएगा, चेक मिलता है तो वो कैश होता है, तो ये हमने बैंक में लिख दिया 11,500 और 500 का आपको डिस्काउंट मिला, तो ये भी आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई है। अच्छा जी, सबको क्लियर हो सके। अच्छा, अब आगे चलते हैं इसके बाद वाली ट्रांजेक्शन पे। इसके बाद कह रहा है कि 12 तारीख को डिपॉजिट किया कैश इन टू बैंक। अब देखें, ये आइए कॉन्ट्रा एंट्री, जो मैंने स्टार्ट में कॉन्सेप्ट दिया कि अक्सर स्टूडेंट कॉन्ट्रा एंट्री में फंस जाते हैं। जब भी हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, तो अगर आप इसके 2 पर्सपेक्टिव हैं, यानी कि कैश आपके पास से जाएगा तो पेमेंट वाली साइड पे भी आएगा, और बैंक आपका भर जाएगा तो रिसीविंग वाली साइड पे भी आएगा, तो बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। बट अब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करें यहाँ पर, ये एक सवाल है। अब ज़रा
कुछ ट्रिक बता देता हूँ ताकि आसानी से काउंटर एंट्री बन सके। तारीख क्या है आपकी? डेट है आपकी 12, मार्च 12। आपने यहाँ पे मार्च 12 रखी, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, यानी कि बैंक बढ़ेगा, बैंक इंक्रीज हो जाएगा, बैंक रिसिप्ट साइड पे आएगा और कैश आपका कम हो जाएगा, यानी कि कैश आपके पास से निकल कर बैंक में चला गया। कितने रुपए जमा करवाए आपने? 15,000। तो पहले कैश कैश निकल जाएगा आपका, और ये कैश कहाँ से निकलेगा, कहाँ कैश निकलेगा और कहाँ पे आ जाएगा? बैंक में आ जाएगा। तो ये तो आपने सिंपल रिकॉर्ड कर लिया कि भाई कैश चला गया पेमेंट साइड से और बैंक में आ गया डेबिट साइड पे। अब रीज़न क्या लिखेंगे? बैंक प्लस होगा, द रीज़न इज़ कैश डिपॉजिट, और कैश माइनस होगा, द रीज़न इज़ बैंक में डिपॉजिट करवा लिया। ठीक है, कि बैंक डिपॉजिट करवाया कैश, और कैश बैंक के अंदर आ जाएगा कि भाई कैश हमने डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो बैंक बढ़ा कैश की वजह से और कैश कम हुआ बैंक डिपॉजिट की वजह से। ठीक है, इसके बाद 17 तारीख को आपने मर्चेंडाइज परचेज किए कैश पर। अगर हम मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, यानी कि हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पेमेंट वाली साइड पे आएगी। डेट है आपकी 17, आपने 17 डेट डाल दी। ठीक है, मर्चेंडाइज परचेज किए, तो यहाँ पे लिख दिया परचेजेस, कितने की खरीदी है? 5,000। कैश पर है तो कैश के कॉलम में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अब आपने देखा विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, ऑफिस यूज सर कॉन्ट्रा बनेगी, क्योंकि दो कॉन्ट्रा होती हैं, जब आप पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाते हो तब कॉन्ट्रा बनती है, या जब आप बैंक से पैसा निकलवाते हो ऑफिस यूज के लिए तब कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। तो ऑफिस यूज के लिए निकालें 10,000। अब आपने सोचना है यार, 10,000 मैंने ऑफिस यूज के लिए निकाले, मीन्स कि मेरा कैश बढ़ेगा और बैंक कम हो जाएगा। कैश निकलवाए ना, कैश प्लस होगा और बैंक माइनस होगा, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। अब कैश प्लस हो रहा है, पहले अमाउंट लिख दिया ताकि आपकी गलती ना हो। कैश प्लस हो रहा है 10,000 और आपका बैंक माइनस हो रहा है। ये माइनस वाली साइड थी यानी कि पेमेंट, और रिसिप्ट मीन्स प्लस वाली साइड। अच्छा, अब रीज़न लिख दें, बैंक कम हो रहा है, कैश फॉर कैश विड्रो फॉर ऑफिस यूज। फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम, बैंक कैश प्लस हो रहा है, तो ये किसकी वजह से? बैंक की वजह से। रीजन क्या है इसका? बैंक है। अमाउंट डेट डाल दिया आपने 24th मार्च। अच्छा, जब भी आप काउंटर बनाए ना, तो पीआर के कॉलम में सीसी लिख देना। मैंने लास्ट काउंटर में नहीं लिखा, आप वहाँ पे भी ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड कर देना काउंटर ट्रांजेक्शन थी ये वाली ट्रांजेक्शन। ये काउंटर ट्रांजेक्शन में पीआर के कॉलम में आप लिख देना। अच्छा जी, इसके बाद सैलरी आपने पे की है चेक से, 3,500 रुपये की सैलरी पे की, तो पैसे जाएंगे यहाँ पे, आ जाएगा सैलरीज एक्सपेंस। चेक से दिया है तो चेक के कॉलम में आ जाएगा 3,500, और डेट आ जाएगी 30 मार्च। अच्छा जी, इसके बाद विड्रो किया 31 मार्च को पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग घर के लिए, तो ये तो सिर्फ नॉर्मल पैसे निकलवाए, तो मतलब पैसे जाएंगे पेमेंट वाली साइड पे आएगा, और यहाँ पे लिख देंगे हम ड्राइंग। कितने का है? 2,500 का। अच्छा जी, अब ये हो गए हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, हम करने जा रहे हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग से मुराद क्या होता है? अक्सर बच्चे ये बैलेंस क्लोजिंग निकालने में बहुत परेशान होते हैं, इसको ज़रा कॉन्सेप्चुअल समझते हैं, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अपनी क्लोजिंग भी बेहतर अंदाज में कर सकोगे। अच्छा जी, नाउ हाउ टू क्लोज दी बैलेंस। मंथ एंड होता है, आप देखते हो यार पैसे आए भी पैसे गए भी, तो ज़रा ये तो पता चले कि अभी क्लोजिंग बैलेंस क्या है हमारा, इस वक्त हमारी पोजिशन क्या है, तो हम क्लोजिंग बैलेंस निकालने जा रहे हैं। आपकी जो लास्ट ट्रांजेक्शन है उसके नीचे 3 लाइनें छोड़ के करना, ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लोज कर सकोगे, फिर गड़बड़ी नहीं होगी। या आपने टोटल किया यहाँ का भी, बल्कि इसको इधर करते हैं, जो भी आपकी ये वाली ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे आपने टोटल कर लिया सब कॉलम का, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया,
भी और ये भी, ठीक है। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस यानी कि बैलेंस निकाल लिया आपने कि भाई अभी इस वक्त क्या हमारी सिचुएशन है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये आपने सबका टोटल कर लिया कि कैश आया इतना, बैंक में इतना आया, कैश गया इतना और बैंक से इतना गया। अब हम क्लोजिंग करने जा रहे हैं। कैश का जो यहाँ पे 50,000 है और यहाँ पे 20,500 है, तो जो भी बड़ा बैलेंस है वो इस तरफ भी लिख देना और दोनों साइड पे जो भी बड़ा बैलेंस है वो लिखा जाएगा। इसी तरह से बैंक भी रिसिप्ट साइड पे 52,500 है और पेमेंट साइड पे 25,000 है, तो दोनों में से जो बड़ा बैलेंस है वो इस तरफ भी लिख दें और इस तरफ भी लिख दें। अब देखिए मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, ये हो गया मेरा, इसको ये बड़ा बैलेंस अब क्लोजिंग होगी। अब जहाँ पे आपकी कमी है यानी कि पेमेंट साइड कम है ना, तो आपने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ निकाला कि भाई मेरे पास 50,000 कैश आया और 22,500 कैश गया, तो बचा कितना, 27,500। इसी तरह से बैंक, मेरे पास 52,500 बैंक में पैसे आए और 25,000 गए, तो बचे कितने, 27,500। इत्तेफाक भी ये सेम है, वैसे सेम ज़रूरी नहीं होना। अच्छा, ये जो कहलाएगा इसको कहेंगे बैलेंस क्लोजिंग, क्लोजिंग यानी कि सीडी बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस होता है जब मंथ एंड पे, कैरिड डाउन भी कहते हैं इसे, लेकिन इसे सिंपल से समझना क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। ये मंथ एंड पे होता है, मंथ एंड हुआ हमने क्लोजिंग कर दी, क्लोजिंग के बाद कैश के आने जाने के बाद ये बैलेंस बच गया। अब जब नेक्स्ट मंथ आएगा, जब भी नेक्स्ट मंथ आएगा यानी कि 1 अप्रैल आएगी, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है, जब अप्रैल 1 आएगी हम, अब जब हम अपना बैलेंस स्टार्ट करेंगे ना, वो कहाँ से करेंगे, जो क्लोजिंग बचा था वही हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। जो क्लोजिंग बचा था ताकि बार बार हमें फिर स्टार्ट से काम ना करना पड़े, वही हमारा ओपनिंग बनेगा और फिर हम अपनी दोबारा से नेक्स्ट मंथ की जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसे रिकॉर्ड करने लग जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी कैश बुक। यहाँ पर लिख देना बैलेंस बी डी से मुराद ब्रॉड डाउन, इसे ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं, इसे क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्लोजिंग कहा जाता है और ये ओपनिंग कहलाता है, ताकि ये अच्छे से समझ में आए कि भाई क्लोज किया मैंने और नेक्स्ट मंथ जब हमारा स्टार्ट होगा ओपनिंग, तो ये यहीं से स्टार्ट होगा। मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा इंशाल्लाह, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहेंगी। हमारा जो मकसद है वो ये है कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट्स को देना, ताकि वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे तरीके से कामयाब हो सकें। इंशाल्लाह हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में ज़रूर प्रमोट कीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बहुत सारी हम बनाते रहेंगे, अकाउंटिंग से रिलेटेड और भी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ और बेहतर हो सकती है या कुछ और सवाल करने हैं, तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि हम वो भी चीज़ें वीडियो में अब बनाते रहें। जज़ाकअल्लाह आप सबका देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।